हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम जगत है और आज हम दोस्तों देखने वाले हैं, आज कोई अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे दोस्तों। आज हम देखेंगे कि एक अपना समय बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आपको उसमें नई हार्ड डिस्क लगानी है, उसको अपग्रेड करना है। नॉर्मल हार्ड डिस्क है, आपको SSD लगानी है। तो आपको SSD जब लगाओगे तो आपको उसको सबसे पहले फॉर्मेट करना पड़ेगा और दोबारा से विंडोज़ को रीलोड करना पड़ेगा। तो आज मैं दोस्तों आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, जो विंडोज़ को फॉर्मेट करने में लगता है, इंस्टॉलेशन में जाता है और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, आपको आउटलुक इंस्टॉल करना पड़ता है, डोमेन में डालना पड़ता है, एवरीथिंग सॉफ्टवेयर कैन डू दैट। तो आज मैं आपको उस सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊँगा जो कि काफ़ी ही यूज़फुल है हमारे लिए और हम उसका एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं, परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत बढ़िया है। तो आइए चल के देख लेते हैं किस तरह का है ये सॉफ्टवेयर और कैसे वर्क करता है। देखिए दोस्तों, ये अभी हमने एक सिस्टम में अलग से एक SSD लगाई है, 119 GB दिखा रहा है, एक नॉर्मल डेस्कटॉप है, उसका एक्चुअली हमने हार्ड डिस्क चेंज करनी है। तो सबसे पहले हमने ये लगा दी 119 GB की और ये डिस्क क्लोन का ये सेटअप है, इसका लिंक मैं आपको चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको रन करेंगे इस तरह से, एक्सेप्ट कर लेंगे, नेक्स्ट इंस्टॉल कर लेंगे। इस तरह से इंस्टॉल करके आ जाएगा, फिनिश करेंगे, ऑटो लॉन्च हो जाएगा। अभी ये हैसलियो डिस्क क्लोन, ये टोटली फ्री सॉफ्टवेयर है दोस्तों, तो इसमें पायरेसी का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इसको हमने क्रैक नहीं किया है। तो ये देख सकते हैं, चूज़ व्हाट यू वांट टू सिस्टम क्लोन करना है दोस्तों हमने। सबसे पहले इसको सिस्टम क्लोन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा। डिस्क क्लोन के बाद ये दो पार्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड देखेंगे आपको, NTFS। तो अब हम कर देंगे नेक्स्ट। देखिए, सिलेक्ट द लोकेशन यू वांट टू क्लोन, तो ये हम अनअलोकेटेड जो 119 की हार्ड डिस्क हमारी SSD नहीं है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे, कुछ नहीं करना है आपने, और प्रोसीड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ ही टाइम में क्लोनिंग करना शुरू कर देगा और डिपेंड करेगा आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पे कितना टाइम लेता है। 10 मिनट के अंदर अंदर आपका हो जाएगा, वो सिस्टम को अपना रीबूट कर लेंगे और हार्ड डिस्क अपनी निकाल देंगे, SSD वाली लगी रहने देंगे। तो इस तरह से ये देखिए स्टार्ट हो चुका है। अब आपको एक बार मैं दिखा दूँ, ये देखिए इसमें SSD चल रही है, ये वो पुरानी हार्ड डिस्क हमने निकाल दी है। तो ये सारा जो भी सॉफ्टवेयर हैं, जो भी डाटा था, वो सारा इसमें आ चुका है। तो दोस्तों, ये तो एक पार्ट था कि जहां हमने अपनी न्यू SSD में ही अपना सारा सिस्टम रिकवर कर लिया, क्लोनिंग बना ली पुरानी हार्ड डिस्क से। तो ये वाला प्रोसेस तो उसके लिए सही था। अभी हम जानेंगे कि हमने पूरी हार्ड डिस्क का ही क्लोन टू क्लोन बना लेना है, एक पुरानी हार्ड डिस्क का क्लोन नई वाली हार्ड डिस्क में उसका क्लोन बन जाए पूरा डाटा के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ। तो वो किस तरह से होगा, ये चल के वो भी देख लेते हैं। इस केस में ये देखें, आपका यूज़र्स में आपको पहले दिखा दूं, अकाउंट्स 5 के नाम से हमारा एक यूज़र है, डेस्कटॉप का डाटा ये है, इसका हम फुल क्लोन बनाएंगे। E-Drive का डाटा ये रहा, E-Drive का डाटा भी आपको दिखाते हैं। देखिए 199 MB, 200 MB तक ये आपका डाटा है E-Drive का। तो ये स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, एक मैं आपको दिखा दूं इसके डिवाइस मैनेजर में, डिस्क मैनेजमेंट में हम देख लेते हैं। ये देखिए सी, इसका इस तरह से पार्टीशन बना हुआ है, CE का देख सकते हैं आप। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। इसमें हार्ड डिस्क लगा दी गई है,
और ये सॉफ्टवेयर रन कर दिया गया है। अब हम करेंगे डिस्क क्लोन पे सिलेक्ट। डिस्क क्लोन पे ये आप पूरे पार्ट सिलेक्ट कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। इस तरह से ये हमारी दूसरी हार्ड डिस्क है 387 GB की। तो इसको क्लोन एज GPT पे टिक मार्क करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे। दोस्तों आपको अगर जल्दी में समझ ना आया हो तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं कि किस तरह से हमने किया। आप इस पे यस करेंगे आगे और एस्टिमेटेड टाइम रिमेनिंग ये हमारा विद इन 5 मिनट में हो गया था क्योंकि डाटा इसमें ज़्यादा नहीं था। तो डिपेंड करेगा इसका प्रोसेस टाइम आपके डाटा पे साइज पे। तो ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा इस तरह से। क्लोज करेंगे और वही सेम सिस्टम को शट डाउन करेंगे और अपनी हार्ड डिस्क को निकाल लेंगे पुराने वाली और नई वाली को रहने देंगे इस तरह से। शट डाउन कर लेते हैं और हम दोबारा से नई वाली हार्ड डिस्क के साथ हमने ऑन करा है सिस्टम। तो अभी हमारे सामने सेम टू सेम वैसे ही पार्टीशन और सेम टू सेम वैसा ही डाटा बन के आ चुका है। ये देखिए 200 MB का ये डाटा रहा हमारा डी ड्राइव का। सी ड्राइव में भी हमने देखा था यूजर्स में जाके, यूजर्स पे अकाउंट्स 5 में ये डेस्कटॉप का डाटा ये रहा। ये एक यूज़र का पीसी है हमने जिस पे ये ट्रायल किया था, तो सक्सेसफुली ट्रायल रहा ये। दोस्तों कोई भी चीज़ आपको दिखाने से पहले हम खुद ट्राई करते हैं क्या वो करने लायक है। अगर बेनिफिट उससे कुछ मिलता है तो आप लोगों को भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, हमारा ये मानना है, ताकि IT के जो भी काम है वो जल्दी रिजॉल्व हो सकें, आसानी से हो सकें। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा क्लोनिंग के ऊपर वीडियो। सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है, कोई इसमें आपको पायरेसी का इशू नहीं आने वाला है क्योंकि इसको क्रैक हमने कुछ किया नहीं है। सिंपली इनकी साइट पे जाइए, डाउनलोड कीजिए और रेडी टू यूज़ है। तो इन छोटे सिंपल स्टेप्स के साथ आप अपना काफ़ी समय बचा सकते हैं एक सिस्टम को तैयार करने में, और एक सिस्टम का बैकअप भी लेके रख सकते हैं ताकि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सिस्टम आपके पास है जो कि आपको लगता है कि उसको वो करप्ट हो सकता है उसका OS, तो आप ऐसे केस में उसका एक क्लोनिंग करके रख सकते हैं। बट उसमें ये कंडीशन है कि हार्डवेयर आपका सेम रहेगा तभी वो प्रॉपरली वर्क करता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आने वाला हर अपडेट आप तक मिल सके। और हर थर्सडे को हमारा वीडियो रिलीज़ होता है, तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट थर्सडे को। तब तक रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।